लेकर ये ट्रक रवाना होंगे। चार ट्रक हैं जिन्हें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली। कई फाउंडेशन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए, केरल में जिस तरह से त्रासदी हुई, पानी में डूबा हुआ पूरा केरल उस भारी त्रासदी के बाद नजर आया और पूरे देश से सहायता के हाथ उठ रहे हैं। और एक और सहायता राज्य की ओर से, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दी जा रही है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, पहले राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से घोषणा की गई, फंड दिया गया सहायता राशि के तौर पर, एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई, कई राहत को लेकर मदद मुहैया करवाई गई, और अब ये एक और कदम उस सहायता के लिए जो कि केरल के बाढ़ पीड़ितों को राज्य की ओर से दी जा रही है। देखिए बिल्कुल, अपने आप में ये बेहद बड़ी मदद है, क्योंकि जब आप देखेंगे इस तरह की त्रासदी सामने निकल के सामने आती है किसी भी राज्य से या देश के किसी भी हिस्से से, तब अमूमन इस तरह की समस्या होती है कि जब पानी जैसी समस्या हो जाती है तो बीमारियों की जो एक बड़ी बात कही जाती है वो पैदा हो जाती है। ऐसे में एक बड़ा डिसीजन लिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, और आप देखेंगे कि जो चार ट्रक हैं उसमें राजस्थान के तमाम जो ड्रग हाउसेज हैं वहाँ से, जो ड्रग हाउसेज से जो दवाइयाँ हैं तकरीबन 1,72,00,000 की जो ये दवाइयाँ हैं वो भर के भेजी जा रही हैं। इसमें तकरीबन 52 प्रकार की पूजा दवाइयों को शामिल किया गया, जिसमें डायरिया की दवाई है, उल्टी की जो दवाइयां हैं, बुखार की दवाइयां हैं, दर्द की दवाइयां हैं, इन तमाम चीजों की जो दवाइयां हैं वो इसमें शामिल हैं। आप देखेंगे कि ये जो ट्रक यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं यहाँ से सीधे दिल्ली के हवाई अड्डे पे भेजे जाएंगे, जहाँ से जहाज के मार्फत इनको त्रिवेंद्रम भेजा जाएगा। आप देखेंगे लगातार जो संवाद करने की कोशिश है सीएम राजे वो लगातार कर रही है, और कुछ लोगों से मुख्यमंत्री बातचीत करती हुई नजर आ रही है। आशुतोष, ये लोग कौन हैं जो सीएम के साथ मौजूद हैं? चलिए सीएम कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राजस्थान की ओर से कह सकती हूँ कि सब लोगों ने बाढ़ पीड़ित केरल पे ध्यान देते हुए अपनी संवेदना प्रकट करने का काम किया है। राजस्थान की ओर से 10 करोड़ रुपए हम लोगों ने वैसे भी भेजे थे, और साथ में आई वॉन्ट टू थैंक ऑल दी डिपार्टमेंट एज वेल एज दी ऑल दी आरएमएससीएल, ना आरएसएमसीएल, ऑल ऑफ देम हुआ हियर जस्ट नाउ फॉर हैविंग पुट टुगेदर ये दवाइयों का कि तीन ट्रक्स जो एस्टिमेटेड कॉस्ट सरकारी के हिसाब से होगा 1.72 करोड़, बट सरकारी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑन द मार्केट में फर्क तो है ही, सो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ वर्थ ऑफ दवाइयों को विथ ऑफिसर्स को हम लोग आज शाम को दिल्ली भेज रहे हैं, जो जाएंगे केरल एंड विल बी यूटिलाइज जितने जल्दी हो सके फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दोज पीपल जिनको रिक्वायरमेंट है। मैम आप इनिशिएटिव लेते हैं हमेशा से एक दिन की सैलरी जिस तरीके से एमएलए वो भी, हाँ ये भी मैं कहना चाहूँगी, बट ये तो सिर्फ हम लोगों का नहीं है, सरकार की ओर से सब लोगों ने, आरएएस आईएएस एवरीबडी ऑल एसोसिएशन सब ने तो भी दिया हुआ है, एमएलएज मिनिस्टर्स एवरीबडी हम लोग सब अपना भी दे रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है बिकॉज हमने राजस्थान में हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा ये सब लोग मिलके उस प्रॉब्लम को निपटाने की कोशिश करते हैं, और आज भी पूरे देश के साथ हम हैं, केरल के साथ हम हैं, ये भी हमारी तरफ से हम मैसेज सबको देना चाहते हैं। हमारे लोग सब चिंतित हैं, ध्यान रखे हुए हैं, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी तो मदद करने में पीछे नहीं रहेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केरल के लोगों के लिए। राजस्थान की ओर से लगातार हाथ बढ़ रहे हैं, पहले एसडीआरएफ की 27 सदस्यीय टीम यहां पर भेजी गई केरल के लिए, केरल में लोगों की सहायता के लिए लाइफ जैकेट्स भेजी गई थी, वाटर बोट्स भेजी गई थी, जिससे थोड़ी राहत प्रदेश सरकार की ओर से भी, प्रदेश की ओर से भी उन तमाम लोगों को मुहैया हो सके जो कि इस भीषण त्रासदी से, परेशानी से जूझ रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, सीएम राजे ने सहायता के लिए आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो कदम उठाए जाएंगे ये बात भी कही है, ये आश्वासन भी दिया है।
देखिए ये इससे बेहतर सकारात्मक सोच नहीं हो सकती। जहां बात देश की आती है तो ऐसे में हर कोई कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना चाहता है, उसमें राजस्थान सरकार भी इसी कड़ी में कंधे से कंधे मिला के खड़ी हुई है। पहले भी आर्थिक तौर पर मदद की घोषणा की गई थी, आप देखेंगे कि जो एमएलए थे और जो ब्यूरोक्रेसी थी उनकी एक दिन की तनख्वाह की जो बात थी वो भी सीएम राजे ने दोबारा से यहाँ से दोहराई है। और दूसरी सबसे बड़ी मूलभूत जो आवश्यकता होती है, आर्थिक मदद तो की जा सकती है लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो मूलभूत समस्या हो जाती है इलाज की। अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई बीमारियों की दिक्कत होती है तो किस तरह का इलाज संभव हो पाएगा। तो उसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से ये जो चार ट्रक हैं वो रवाना किए गए। आपको बता दें सीधे दिल्ली के हाईवे से होते हुए ये तमाम जो चार ट्रक हैं वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली हवाई अड्डे के लिए, जहाँ से हवाई जहाज के मार्फती इनको त्रिवेंद्रम पहुंचाया जाएगा, जहाँ से जो बाढ़ पीड़ित है उन तक ये तमाम जो राहत सामग्री और ये दवाइयां हैं ये पहुंच सके। इन दवाइयों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो आमतौर पर आप देखेंगे कि जब भी बाढ़ संबंधित दिक्कत आती है या पानी की जो समस्या मूवन सामने आती है तो वहाँ पे डायरिया, उल्टी, बुखार, पेट दर्द जैसी समस्याएं जो आमतौर पर पैदा हो जाती हैं उन्हीं की दवाइयां पूरे राजस्थान के जो तमाम ड्रग स्टोर्स हैं वहाँ से एकत्रित की गई हैं सीएम राजेश के निर्देश से और इन ट्रकों को रवाना किया गया है। अगर समय की बात करें तो इस सहायता को केरल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा आशुतोष? देखिए अगर ये बात करें कि ये कब तक दवाइयां पहुंच जाएंगी तो बताया जा रहा है आज शाम लगभग शाम तक सबसे पहले ये दिल्ली एयरपोर्ट